हेलो क्लास, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पार्ट 5 है जिसमें हम इमर्जिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ओबी और लिमिटेशंस ऑफ ओबी के बारे में बात करेंगे। इमर्जिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ओबी का मतलब ये हुआ कि जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर शुरू हुआ है तो उसके और कहाँ कहाँ पे यूज है और क्यों है, ये सारी बात है। पहली बात इसमें इन्होंने लिखी है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। देखिए पहले के अगर आप इंडिया का लेके चलते हैं तो 1991 से पहले की सिचुएशन अलग थी और 1991 के बाद की सिचुएशन अलग है। क्यों? क्योंकि 1991 से एलपीजी का फिनोमेना शुरू हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इस वजह से हमारी जो कंट्रीज में काम कर रही कंपनी जैसे टीसीएस है, इंफोसिस है, इनकी विंग फॉरेन में भी है, ठीक है, टाटा की भी विंग फॉरेन में है, टाटा मोटर्स वोटर्स की भी, इसी तरह बहुत सारी फॉरेन की कंपनी वो भी यहाँ पे एस्टेब्लिश है। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गई और इस वजह से इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इमर्ज कर रहा है। दूसरी बात वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, जो वर्कफोर्स है पहले किसी एक कंट्री में सिर्फ मेल और फीमेल रहते थे, ठीक है, जैसे इंडिया के ही मेल और फीमेल एक जगह पे काम कर रहे हैं, अब मेल फीमेल के साथ ही साथ अब इंटरनेशनल लेवल पे एक आदमी कहीं और का, एक आदमी कहीं और का लैक्मे है या हिंदुस्तान लीवर है या और कोई भी कंट्री, तो उसमें अलग अलग जगह पे पेप्सी की जो कंपनीज हैं तो वो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है, तो उसके लिए हैंडल करने के लिए भी ये जरूरी है। फिर चेंज एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन जो है एकदम आज की डेट पे चेंज हो गई है। पहले के सिचुएशन में मालिक और नौकर टाइप का संबंध था, अब ये ऐसा हो गया है कि नहीं, हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, उनको जितनी जरूरत है हमें भी उतनी जरूरत है, तो ये वाली बात है। इंक्रीज क्वालिटी कॉन्शियस, आज की डेट में हर चीज में भी क्वालिटी कॉन्शियसनेस बहुत आ गया है, ठीक है, छोटे छोटे चीजों में भी देखा जाता है क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं। फिर मैनेजिंग चेंज, लगातार टाइम और सिचुएशन चेंज हो रही है, तो आप देख रहे हैं नोटबंदी हुई, फिर कोरोना आया, तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए पहले बिजनेस का काम था, स्पेशली प्राइवेट बिजनेस जो होते थे वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते थे, अब ऐसा नहीं है, प्रॉफिट मोटिव भी काम करना है प्लस सोसाइटी का वेलफेयर को भी ध्यान देना है और जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके भी वेलफेयर को, चीजों को देखना है। तो अब इस वजह से इसका जो एस्पेक्ट है काफी बढ़ता जा रहा है। अब लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अब इसमें दिक्कतें क्या क्या हैं? पहली बात तो ये बिहेवियर बायस है। बिहेवियर बायस का मतलब क्या हुआ? कई कई जगह पे अलग अलग तरह से चीजों को बिहेव कर जाता है, जैसे ओवर इंफोसाइजिंग द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। कुछ लोगों का ये मानना है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के ऊपर ये ज्यादा जोर दे देता है, इसलिए कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लगाते ही नहीं। फिर है ओवर एम्फसाइजिंग ऑन द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिन लोगों ने इसको लगाया वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे भी लगा दिया है तो उसके वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ लोगों का इस बारे में कहना। अब ये तो पहला एलिगेशन था। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न ये कहता है चाहे जितनी बढ़िया अच्छी चीज हो अगर उसको एक लिमिट के ऊपर आप यूज करते चले जाएंगे तो वो चीजें फिर उसका कोई फायदा उसको मिलता नहीं, ठीक है, अगर ड्राई फ्रूट है या कुछ भी आप बहुत ज्यादा खा लिए तो आना जाना शुरू, ठीक, तो इसलिए एक लिमिट तक ही है, उस लिमिट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो यही अच्छी चीज है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लेकिन लिमिट के ऊपर जब जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। जैसे टू मच ओबी एम्फसाइजेस प्रोड्यूस नेगेटिव, पहला ही पॉइंट कि अगर आपने ओबी के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएंगे। ऑप्टिमम डिजायरेबल प्रैक्टिस, ऑप्टिमम लेवल पे चीजों को देखना है और डज नॉट अप्लाई टू एवरी ह्यूमन सिचुएशन, हर ह्यूमन सिचुएशन पे नहीं, क्योंकि देखिए ह्यूमन सिचुएशन में कौन आदमी कैसे बिहेव करेगा एकदम कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे अभी आप कोरोना के समय देख रहे हैं कौन आदमी किस हिसाब से सोच रहा है, कुछ रुके हैं मजदूर, कुछ चले आ रहे हैं, सबका अपना अपना सिचुएशन, अपनी अपनी सोच है, ठीक है, और ये पूरा एक सिस्टम कॉन्सेप्ट है। अब जो थर्ड प्रॉब्लम है अनइथिकल मैनिपुलेशन ऑफ पीपल, कुछ लोगों ने कहा कि ओबी की वजह से अनइथिकल मैनिपुलेशन होता है, ठीक ढंग से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, गुमराह किया जाता है, ठीक है, मिसयूज ऑफ ओबी नॉलेज एंड टेक्निक, ओबी की नॉलेज और टेक्निक का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और इग्नोर इथिकल रिलेशनशिप को इग्नोर करते हैं, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन कम्युनिकेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सब चीजों को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे हम लोगों ने दो बातें कवर की, इमर्जिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ओबी और लिमिटेशंस ऑफ ओबी। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पे मैं बात करूंगा। ओके, थैंक यू।